Assalamualaikum guys, so finally Realme 6i को लॉन्च कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर और PUBG लवर्स के लिए बहुत ही शानदार किस्म का ये मोबाइल फ़ोन जो है वो लॉन्च हो गया है। आज है 27 अप्रैल और 3 बजे ये लॉन्चिंग स्टार्ट हुई और इस तरह के साथ इसकी प्राइस भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। सारी डिटेल आपको बताते हैं, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लाजमी से बताइएगा कि क्या आपने Realme 6i लेना है या नहीं लेना, आप बाय करने जा रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी है पबजी लवर्स के लिए और जितनी भी गेमिंग प्लेयर इस वक्त वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मोबाइल साबित होने वाला है, क्योंकि जिस बजट रेंज के अंदर ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया गया है बहुत ही शानदार किस्म की इसकी रेंज है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें चिपसेट कौन सा दिया गया है, तो G80 हेलियो ये चिपसेट दिया गया है, बहुत ही शानदार किस्म का और मैं कहता हूँ कि गेमिंग्स प्लेयर के लिए बहुत ही शानदार किस्म का ये मोबाइल है। अगर आप PUBG प्ले करते हैं या कोई भी हैवी से हैवी गेम प्ले करते हैं तो आपके लिए ये प्रोसेसर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साबित होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर IPS पैनल दिया गया है और 720 रेजोल्यूशन है। यहाँ पर अगर बात करूँ रेजोल्यूशन की तो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो फुल HD नहीं है, जस्ट HD+ है, जो कि नॉर्मल ही है लेकिन इतनी ख़ास नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन होगा। जिस तरह के इसकी जो स्पीड है वो दी गई है तो रेजोल्यूशन भी सिंपल ही है, कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ओवरऑल बेस्ट फ़ोन है ये आपके लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6.5 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन आपको मिलेगी, वाटरडॉग नॉच टॉप पर आपको नज़र आएगा। इसके अलावा फ्रंट मेगापिक्सल जो इसकी बात की जाए कि कैमरा की, तो 16 मेगापिक्सल जो है फ्रंट में इसको दिया गया है। सेल्फी मोबाइल फ़ोन है ये बहुत ही शानदार किस्म का। इसके अलावा अगर बैक की बात की जाए तो बैक कोड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका मेन जो कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल, बहुत ही शानदार किस्म का इसका मेगापिक्सल है, क्योंकि अगर अब बात की जाए इससे पहले तो इससे पहले इतना ज़्यादा मेगापिक्सल किसी मोबाइल फ़ोन में नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे 48 मेगापिक्सल जो है इसका बैक मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा सेकेंडरी के सेंसर की बात की जाए तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल वो है। इसके अलावा थर्ड एंड फोर्थ सेंसर जो हैं वो 2 मेगापिक्सल के यहाँ पर दिए गए हैं, डेप्थ और माइक्रो के। एंड्रॉयड की बात की जाए तो 10OS ये एंड्रॉयड है और इसके अलावा कलर की बात की जाए तो वाइट एंड ग्रीन टी कलर, इसमें 2 कलर जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी भी इसकी शानदार होने वाली है, जितने भी पिछले मोबाइल फ़ोन हैं उनसे सबसे टॉप की बैटरी इसमें दी गई है। 5000 mAh बैटरी है और 18W फास्ट चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है, बहुत ही फास्ट चार्जिंग ये करेगा और इसके अलावा बैटरी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार किस्म का ये मोबाइल फ़ोन दिया गया है। इसकी अगर बैग की बात की जाए तो बैग जो है वो प्लास्टिक का होगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि अगर इस पर डस्ट भी नहीं पड़ सकेगी और ये टूटने के भी इस तरह के चांसेस नहीं होंगे कि मोबाइल फ़ोन अगर गिर गया तो ये टूटने के चांस होंगे, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मोबाइल है। अगर ये मेटल में होता तो मेटल आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन को कितना ज़्यादा गर्म कर देता है, लेकिन ये प्लास्टिक का है तो इस वजह से इसका बैग भी आपको हीटिंग प्रॉब्लम भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और सी टाइप है जो इसकी चार्जिंग है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओवरऑल मोबाइल फ़ोन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसकी प्राइस जो है 31,999 रुपये पाकिस्तानी ये रखी गई है और यहाँ पर 4GB एंड 128 जो है वो इसकी स्टोरेज होगी। ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है तो अभी आप इसको ऑनलाइन जो है वो बाय कर सकते हैं। सो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मोबाइल है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।